बारामूला लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने वाले इंजीनियर अब्दुल रशीद से मुतालिक लिखे गए चंद आर्टिकल्स के कुछ हिस्से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला की जानिब से शेयर करने से जम्मू व कश्मीर में नए सियासी तनाज़ा को जन्म दिया है। उमर अब्दुल्ला ने सोशल साइट एक्स पर इंजीनियर रशीद से मुतालिक एक मजमून का जो हिस्सा शेयर किया है उसमें लिखा गया है कि रशीद की जीत बिलाशुबा इलाहदगी पसंदों को तकवियत देगी और कश्मीर की शिकस्त खुर्दा इस्लामी तहरीक को उम्मीद का एक नया एहसास बख्शेगी। इसमें मजीद लिखा गया है कि इलाहदगी पसंदी को इंतखाबी सियासत में वापस लाने की कोशिश ने नई दिल्ली को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उरूज और बीजेपी के साथ उसके इत्तेहाद की हिमायत की, ताहम उसने पुरतशद्दुद इलाहदगी पसंदों को बाइख्तियार बनाया और उन्हें मरकजी धारे में शामिल नहीं किया। ये सियासत में हेरा फेरी करने की कोशिश के गैर मतवक्के नतायज की वार्निंग है। उमर अब्दुल्ला की जानिब से शेयर किए गए एक और हिस्से में लिखा गया है कि रशीद ने बायकॉट वोट को भी अपनी तरफ मतवज्जह किया, जो पहले वादी में पोलिंग बूथों से दूर रहता था, जिसने अब उनके लिए वोट को मजाहमत के लिए वोट के तौर पर देखा। उसमें लिखा गया है कि अबरार ने अपनी इंतखाबी तकरीरों में उसका बराह रास्त जिक्र करते हुए कहा कि वो जानते हैं कि आप बायकॉट के हामी लोग हैं, लेकिन मुझसे वादा करें कि इस बार आप वोट देने निकलेंगे। इस सब पर उमर अब्दुल्ला को पीडीपी लीडर वहीदुर्रहमान पर्रा ने जवाब दिया। पर्रा ने लिखा कि वो उमर अब्दुल्ला के रुझान पसंदाना मौकफ से इंतहाई मायूस हैं, जो 1987 के तफरका अंगेज सियासत के बाज़े गश्त और जमहूरी इजहार को इस्लाम पसंद लहर करार देते हैं। पर्रा ने लिखा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ उमर के खानदान की तारीख पीडीपी इंजीनियर रशीद और जमात इस्लामी के अखराज के मुतालबात के साथ तसादुम करती है और कश्मीर को रियासत के साथ मुस्तकिल तनाज़ा में डाल देगी। उन्होंने लिखा कि इंजीनियर रशीद की रिहाई के लिए महबूबा मुफ्ती की दरख्वास्त के मुतरादिफ एक ज्यादा दानिशमंदाना नुक्ता नज़र मैंडेट का एतराफ होता। अपने जवाब में उमर ने पर्रा को मुखातिब होकर लिखा कि उन्होंने अपनी पूरी मुहिम इंजीनियर रशीद की रिहाई के बारे में बात करने में सर्फ की और उनकी मुहिम के बरक्स हमने 2019 से ज़ेर हिरासत 1000 अफराद की रिहाई के बारे में बात की। उमर ने लिखा कि उन्होंने जो मजामीन यहाँ रखे हैं वो उनके अपने ख्यालात नहीं हैं, बल्कि वो एक नुक्ता नज़र हैं। उमर लिखते हैं कि वो उनमें से कुछ हिस्सों से मुत्तफिक हो सकते हैं और कुछ के साथ नहीं, वो एक राय हैं। उमर ने लिखा कि जहाँ तक रशीद की रिहाई का ताल्लुक है तो ये अदालत का मामला है, जैसा कि ऐसे तमाम केसेस में होता है। उमर ने कहा कि वो कभी भी रशीद की नज़रबंदी से मुत्तफिक नहीं थे, मगर ये सिर्फ एक आदमी के बारे में नहीं होना चाहिए बल्कि 1000 के जेलों में होने के बारे में होना चाहिए। बिशमोल वो जम्मू व कश्मीर से बाहर गुमनाम है। उधर पर्रा ने इसके बाद लिखा कि वो तमाम सियासी कैदियों की रिहाई के लिए उमर की दरख्वास्त की तौसीक करते हैं, मगर हमें कम अज कम ऐसे ही एक कैदी इंजीनियर रशीद की वापसी पर इत्तफाक राय ज़रूर हासिल करना चाहिए, जो उमर के असेंबली के साथी भी थे। पर्रा ने उमर को मुखातिब होकर लिखा कि आपकी डिफिनेशन में विज़न है और अगर किसी मैंडेट को अस्करियत पसंदी के तौर पर गलत समझा जाता है तो ये लामुहाला हम सब के खिलाफ उलझन और रद्द अमल को जन्म देगा। इस सब के बीच डीपीएपी के तर्जमान सलमान निज़ामी ने उमर अब्दुल्ला पर तनकीद की और लिखा कि यह उमर अब्दुल्ला की मायूसी है। निज़ामी ने सवाल किया कि अगर अबरार रशीद उमर अब्दुल्ला को हराने के लिए इलाहदगी पसंद हैं तो महबूबा मुफ्ती को हराने वाले मियां अल्ताफ के बारे में क्या ख्याल है, क्या जनूबी कश्मीर इलाहदगी पसंदों से ज़्यादा मुतासिर नहीं है। निज़ामी ने लिखा कि उमर सोचते हैं कि वो ज़्यादा होशियार हैं, लेकिन वो सिर्फ एक ख़ानदानी हारने वाले हैं। निज़ामी ने एक और पोस्ट में लिखा कि उमर अब्दुल्ला का गुरूर उनकी ज़बरदस्त शिकस्त का बास बना। अबरार रशीद के वालिद इंजीनियर रशीद अब भी जेल में हैं, वो मुंतखब कानून साज थे, इलादगी पसंद नहीं। निज़ामी ने लिखा कि बाइकाट ने हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस की मदद की है, लेकिन इस बार लोग वोट डालने निकले और नेशनल कॉन्फ्रेंस और वो उमर के तकबर को शिकस्त देने के लिए निकले। काबिले जिक्र है कि अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबरा और टेरर फंडिंग मामले में बंद इंजीनियर अब्दुल रशीद ने बारामूला सीट से ज़बरदस्त जीत दर्ज की है। उन्होंने उमर अब्दुल्ला के साथ साथ सज्जाद गनी लोन को भी शिकस्त से दो चार किया है।